तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मढेरा। क्या तुलसीदास के जगह पर हम अपना नाम रख सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय माता दी सभी को। स्वागत है आप सभी को चैनल में एक बार फिर से। आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। तो ये जो मैंने शुरू में चौपाई बोला हनुमान चालीसा का, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मढेरा, क्या हम उसमें अपना नाम रख सकते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तुलसीदास जो वहाँ पर नाम है उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, फिर हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसे अपना मस्तिष्क में इसका थोड़ा मंथन करिएगा। जब आप नाम सुनते हो बिल गेट्स, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, संसार का एक धनी व्यक्ति है ना। क्या संसार में वही एक बिल गेट्स है? नहीं ना, बहुत सारे बिल गेट्स हैं, लेकिन वही प्रख्यात क्यों हुए? उनके गुणों के कारण, उनके पास धन है उसी के कारण वो प्रख्यात हुए, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है उसी कारण प्रख्यात हुए। तो उनके गुण के कारण उनका नाम प्रख्यात हुआ, ना कि उनके नाम के कारण उनका गुण। वैसे ही जब बाबा तुलसीदास अपने गुणों के कारण प्रख्यात हुए, जबकि उस समय में भी बहुत सारे तुलसीदास नाम के व्यक्ति होंगे है ना, लेकिन फिर भी बाबा तुलसीदास जो कि हरि के भक्त थे वही क्यों प्रख्यात हुए? अपने गुणों के कारण, अपने भक्ति भाव के कारण है ना। तो उसी तरह से वो जो तुलसीदास नाम है हनुमान चालीसा में, वो एक सिर्फ नाम को ही नहीं बताता बल्कि एक भक्त के भाव को प्रदर्शित करता है। वो जो तुलसीदास शब्द है वो नाम के साथ साथ एक भक्त का भाव है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो स्वयं तुलसीदास है। अगर आप पाठ करते हो तो आप स्वयं तुलसीदास हो। क्यों? क्योंकि जब आप पाठ करते हो तो अपना भक्ति दिखाते हो, और भक्ति दिखाते हो तो आप तुलसीदास बनते हो। तुलसीदास कौन? एक भक्त, इसीलिए ये नाम प्रख्यात हुआ ना। अगर भक्त नहीं होता तो ये प्रख्यात नहीं होता। तो जब आप भक्ति दिखाते हो तो आप स्वयं तुलसीदास हो। मान के चलो आप तुलसीदास के जगह पर अपना नाम रखते हो, क्या आप बाबा तुलसीदास जितने महान भक्त हो? नहीं ना। इसीलिए आपको वहाँ पर तुलसीदास नाम ही लेना पड़ेगा, ताकि आप उस भाव को प्राप्त करें जो कि बाबा तुलसीदास के अंदर था, तब जाके हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से आपको फल देगा, वरना नहीं देगा। अगर आप अपना नाम रखोगे, हम तो मतलब मान के चलिए हम उतने बड़े भक्त नहीं है, उतना भाव हम दे ही नहीं सकते जिससे कि हम पूर्ण फल ले सके हनुमान चालीसा का। इसीलिए वहाँ पर तुलसीदास का शब्द रखा, ताकि वो भाव बने। और हनुमान चालीसा का हर एक शब्द सिद्ध है, जिसके साक्ष स्वयं महादेव और माता पार्वती है, वही सिद्धि साखी गौरीसा है ना। तो इस कारण से तुलसीदास नाम भी सिद्ध है। किस लिए सिद्ध है? कि वो व्यक्ति के अंदर भक्त का भाव प्रकट करें। तो तुलसीदास एक भाव शब्द है, ना कि नाम शब्द। अब आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, और मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हमारे जितने भी सनातन धर्म हैं, जहाँ पर हमें नाम लेना जरूरी होता है, वहाँ पर अमुक बोलकर कष्ट को मतलब एक ब्रैकेट में रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ जरूरी नहीं है नाम लेना। हम नाम लेंगे तो वो चालीसा ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसका हर एक शब्द सिद्ध है, और सिद्ध के साथ साथ वो कारगर भी है। अगर आप तुलसीदास के जगह पर अपना नाम रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस हिसाब से होता है, वहाँ पर जो तुलसीदास है वो भक्त का भाव है, ना कि एक नाम। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय माता दी।